होते ही जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है बढ़ गया है, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा से है। कोरोना के बाद चेक पोस्ट कितने सुरक्षित, यह आज का हमारा विषय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि लॉकडाउन था तब भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चल रहा था, जीवन आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही हो रही थी, कितने सुरक्षित चेक पोस्ट है हमारे यहाँ, क्या बताओ? देखिए, इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था, भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, उस समय जो भी जीवन उपयोगी चीजें थी, खाने पीने की दवाई या अनाज या जो भी फल सब्जियां हैं, वो चलते थे। उस समय गाड़ी वालों से किसी प्रकार से चेक पोस्टों में अवैध वसूली नहीं होती थी, गाड़ियां कहीं नहीं रुकती थी, होटल वगैरह कहीं नहीं थे, ढाबों में तो गाड़ी वालों से सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कहीं कहीं उनको खाना दिया जाता था। लेकिन आज जिस समय से 8/5/2020 से लॉकडाउन नॉर्मल खोला गया, कोई भी गाड़ी वाला कोई भी माल लेके जा सकता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग वहां पे परिवहन विभाग के अधिकारी लठेर गुंडे बदमाश के माध्यम से पूरे बॉर्डर को उन्होंने पहचान लिया। 2,000, 1,500, 500 रुपए वसूली लेना चाहते। हम लोगों को इस विषय पर जब जानकारी हुई, तो हमने सभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। उनको बताया कि 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा जनता कर्फ्यू, उस समय भी एमपी के बॉर्डर में वसूली चालू हुई, तो मध्य प्रदेश से कमिश्नर साहब वी मधु कुमार संपर्क किया गया, उन्होंने कुछ उसमें रियायत लोगों को दी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हमें लॉकडाउन कोरोना महामारी संकट में जो हम एक चैन को तोड़ना चाहते हैं, वो ये प्रशासन के अधिकारी वो चैन को जोड़ना चाहते हैं। और हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया, सर आप ये किसके आदेशानुसार कर रहे हैं? उनका लक्ष्य एक ही कहना है, ऊपर से आदेश है। सर ऊपर से किससे आदेश है? केंद्र से आदेश है कि आपके राज्य से आदेश है किससे? वो चीज बताने को तैयार नहीं। लेकिन अभी हम लोगों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ में, शिवाजी वाहन चालक संस्थाओं के तीन संस्थाओं ने मिलकर एक ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जो ये ऑनलाइन पूरी चीज हो रहे हैं, तो अगर आपको घूस लेना है, कमीशन लेना है, तो ऑनलाइन लीजिए, मैं देता हूँ। आज एक ट्रक चालक मोटर मालिक का जब ऑडिट होता है, उसका भाड़ा चिट्ठी बनता है, उसका टीडीएस कटता है, सब कुछ कटता है, लेकिन हमारा 50,000 का भाड़ा बनता है, तो 25,000 तो ऑनलाइन इनको दे देता हूँ घूस में, तो 25,000 ऑनलाइन में दिखाए ना। ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, ऊपर से आदेश, सरकार को बदनाम करते हैं, सरकार इनको बैठा कर रखी। ये आज लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग संकट की घड़ी में है। आज देश में जितनी स्पीड से कोरोना की बीमारी फैल रही है, वो बीमारी फैलने का कारण सबको पता है, इसकी दवाई क्या है, इसका रास्ता क्या है। हम वो रास्ता अपनाने को नागरिक तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन ये अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और अधिकारियों के आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें हमें रास्ता बताएं, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन आज की स्थिति में हम बॉर्डरों में असुरक्षित। अब जिस तरह से अनलॉक हुआ है, किस तरह की सुविधा और असुविधा चेक पोस्ट पर मिल रही है, क्या चेक बताएं? पोस्टों में तो सुविधा नाम से तो कोई चीज ही नहीं है, न वहाँ पे ड्राइवरों को लिए सैनिटाइजर रखा गया है, न उनके लिए कोई राशन पानी की व्यवस्था की गई है। असुविधा ही असुविधा हमारे सामने है। अगर वो ड्राइवर भूखा मर रहा है, भूखा प्यासा चल रहा है, तो उसको पानी और रोटी नहीं पूछा जा रहा है, तेरे जेब में पैसे कितने हैं, वो पैसे पूछे जा रहे हैं। आज सोचिए कि आज हमारे जो गाड़ी चल रही है, मोटर मालिक क्या करते हैं, डीजल दे देते हैं, एटीएम कार्ड दे देते हैं, टोल टैक्स के लिए एक तो लगा फास्टैग, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो ड्राइवर उनको 2,000, 1,500 ये तो दे कहां से? हम तो अधिकारी से बोलता हूँ, भैया ट्रक खड़ी करवा लें, उनका माल उतरवा लें, उनका माल छत्ती कर लें, आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा उन्होंने करते नहीं। 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 3 दिन 4 दिन गाड़ी खड़ी है, तो ड्राइवर भूखा प्यासा मरता है, हमको डर उस समय लगता है कि कहीं ये गुस्से में हमारा गाड़ी छोड़ के अपने घर में चला जाए। इसको कोरोना है या नहीं है किसी को दिख नहीं रहा है, तो चेक करने के बाद पता चलता है मानव बम। तो मानव बम का जो ये मेन अड्डे बन रहे हैं, आज देश का सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी है। इस संकट में साथ में ये अधिकारी न साथ देते हुए ये अधिकारी देश में इतना बड़ा बम तैयार कर रहे हैं, जिसका कोई बेहिसाब, कितने लोग इसमें बुरे फंसेंगे, कितनी जान जाएंगी,
ये टोटल चीज की कार्रवाई अगर प्रशासनिक अधिकारी परिवहन विभाग से संबंधित नहीं होगी, जब तक हम कोरोना संकट से फंसे रहेंगे, उभरेंगे नहीं, और ये संकट तो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। आप जैसे चैनल के माध्यम से आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपको बॉर्डर में सुविधा असुविधा क्या है? हमको बॉर्डर में कोई सुविधा नहीं है, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, चाहे एमपी का बॉर्डर हो, चाहे कहीं का बॉर्डर हो। और सबसे ज्यादा कष्ट अगर है ट्रक चालक मालक को, हर प्रदेश की गाड़ी मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कि हिंदुस्तान के एक सेंटर पे आता है, हर प्रदेश की गाड़ी एमपी से गुजरती है। अब ये गाड़ी वालों को बॉर्डर से निकलने के लिए 5-5 चेक पोस्ट करते हैं। अब सोचिए अगर 2,000 रुपए एक चेक पोस्ट में देगा तो 5 बॉर्डर में कितना पैसा कहां से लाके देगा? तो कोरोना में ऐसे मर गया। अगर गांव भाग के जाता तो ऐसी कितनी चेक पोस्ट है पूरे भारत में? कौन कौन से स्टेट में ये चेक पोस्ट बनाई गई? पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे केवल 7 या 8 स्टेट हैं जहां पे चेक पोस्ट आज भी राज्य सरकार के दादागिरी से बैठाया गया है, या किसके दादागिरी से बैठाया गया ये हमको तो पता नहीं। हम तो ये जानता हूँ हमारा देश एक है, एक निशान, एक संविधान है, उसी संविधान की दुहाई हम भी देते हैं, उसी संविधान की दुहाई मैं नेता जी देते हैं, उसी संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं कि मैं मंत्री बन रहा हूँ, संविधान की रक्षा करूँ। तो क्या संरक्षा कर रहे हैं? आज महाराष्ट्र में चेक पोस्ट है, मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, और ऐसे बहुत जगह चेक पोस्ट है 7-8 जगहों में। लेकिन आज ऐसा यूपी हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे चेक पोस्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, गाड़ी जाती ही जाती है। अगर मेरी गाड़ी ओवरलोड है, अनैतिक पेपर नियत, आप कार्रवाई करें, कार्रवाई के लिए हम भरपूर साथ देते हैं, राजस्व का नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन अवैध रूप से जो वसूली चल रही है, आज कोरोना महामारी संकट को देखते हुए, जैसा कि अभी 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जब तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से ना खोल दिया जाए, आवाजाही ना चालू की जाए, जब तक ये वसूली ना करें हम सरकार से, और खासकर हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, हम उनसे निवेदन कर रहा हूँ नागपुर से बैठ के चैनल से, कार्य राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते अगर हम संगठन को बनाए हैं तो संगठन हमारी नाक के लिए बनी है, नाक के लिए नहीं बनी है। हमको इसके लिए अच्छे से अच्छे हम संगठन से जुड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जहां पे आज स्थिति बनी है बैरियर की, हम तो सरकार से मांग करते सर ये बैरियर को हटाए। जो आप कोरोना महासंकट का ये बम बन रहे हैं, जिनके मुख्य अड्डे हैं परिवहन, आरटीओ, चेक पोस्ट, जिसको संचालन ये अधिकारी कर रहे हैं, सरकार उनको करवा रही है, ये जानकारी मैं तुमको आप मीडिया के माध्यम से, आप शासन से प्रशासन से पूछें कि कुछ स्टेटों में बॉर्डर बंद है, कुछ स्टेटों में बॉर्डर चालू होता है, ऐसा क्यों, क्या कारण है? ये जो चेक पोस्ट है इसके फायदे और नुकसान क्या है? इसके फायदे नुकसान तो आम जनता को, एक ट्रक चालक मालक को गरीबी के तले बोझों को भी दबे जा रहा है, वो तो उसकी खानदान पीढ़ी में पीढ़ी उस कर्जे में दबी रहेगी, उठेगी नहीं। आज चेक पोस्ट से लाभ ये है, नागपुर चेक पोस्ट लिखा रहता है, आप कभी नागपुर से बाहर निकले होंगे, हाईवे में देखे होंगे, तो चेक पोस्ट का मतलब है गाड़ी को पद्धत से चेक किया, गाड़ी ओवरलोड ना हो, गाड़ी ओवर साइड है, बिना पेपर की है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसका एक दंड निधान रखिए, वो दंड को मोटर मालिक भरेगा, जो मोटर दंड को भरेगा तो अगले चक्कर हो सकता है जो कमी है वो कमी को सुधारेगा। लेकिन ये लोग वो चीज को नहीं बढ़ावा देते हैं, ओवरलोड भर के आओ, ये लिस्ट दे दो मेरे को, ये पैसा दे दो, दलाल पैदा हो जाते हैं, दलालों के माध्यम से अधिकारियों को, नेताओं के मंच के ऊपर पैसे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो नुकसान हमारा बॉर्डर से है। चेक पोस्ट का जो सही मायने में काम करना चाहिए सरकार को, वो सरकार चेक पोस्ट में काम नहीं कर रही है। अगर 1,000 गाड़ी निकलती है उसका 200 गाड़ी का चलान काटते, वो चलान कैसे करता है जब 2,000 रुपए मांगा, और सच्चा ड्राइवर अगर है हमने उसको बोला तो पैसे मत देना, पैसे नहीं देता है, उसी गाड़ी की मूवी बनाई जाती है चारों तरफ से, मैकेनिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टायर कमजोर है, पहिया कमजोर है, कपड़े नहीं पहनो, तो मैकेनिकल के नाम पे क्यों हमको डराया जा रहा है? हमें भयमुक्त कराना देना चाहिए, भयमुक्त कम होना चाहिए, लेकिन भय दिया जा रहा, डराया जा रहा है। जब एक प्रशासनिक अधिकारी अपने मैकेनिकल के आधार पे नहीं चल रहा है, उसकी ड्यूटी कहाँ लगी है? परिवहन चेक पोस्ट, लेकिन उसकी जीप खड़ी जाती है 15 किलोमीटर आगे, वहां पे ड्राइवर आता है और ड्राइवर आरटीओ की वसूली करता है,
जो आप नियम नियम कायदे कानून से आपने चल रहे हैं, तो हमारी एक छोटी सी गाड़ी किस आधार पर चल रही है? हमारे तो गाड़ी के महत्वपूर्ण पेपर मेरे पास है, गाड़ी का सही भजन है, सब कुछ है। ये आरटीओ चेक पोस्ट से सीधा सीधा जो है सीधा सीधा सवाल या निशान चेक पोस्ट पर जो ड्यूटी करते हुए अधिकारी है उन पर ये सवाल या निशान अब खड़ा हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी आपका कहना जरूरी है, सही बात आपने बोले, लेकिन जो हम हमारा संगठन या हम लोगों ने जो 3 साल से 4 साल से मध्य प्रदेश के और कई भारतों में जा जाकर स्थिति को देखा, तो वहाँ कहीं न कहीं वहाँ की सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्री चाहे स्टेट के हो चाहे प्रदेश के हो, ये अब जब उनको हम लिखित में लेटर दे रहे हैं, उस लेटर की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, उनपे जांच क्यों नहीं बैठाई जाती, उनपे जांच क्यों नहीं होती? तो सबसे बड़ा सवाल तो मैं लगाता हूँ सरकार पर, जो सरकार किसकी पार्टी थी, मध्य प्रदेश में सबसे पहली सरकार बनी कांग्रेस, उन्होंने इसको जन्म दिया। इसके बाद उमा भारती को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली औरत बनी थी, निष्पक्ष काम किया, पूरे चेक पोस्ट को उठाकर फेंकवा दिया, और फेंकवाने के बाद सभी ड्राइवर कंडक्टर ने हर जगह गरीबों को मंदिरों में दान दिए, पूरी सब्जी भोजन खिलाए, आज हम लोग भयमुक्त हो गए। लेकिन जैसे शिवराज जी की सरकार बनी अच्छे चले, अच्छे चलने के बाद फिर वही प्रोसीजर चालू हो गया, उसे डबल प्रोसीजर हो गया। आज कांग्रेस की सरकार 15 महीना उन्होंने तो अति कर दिया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। बीच में सरकार के लिए लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में 2 महीने अच्छा काम चला, जो भी गाड़ी वाले बेचारे वापसी जाते थे बहुत साइड का माल आता था, एक साइड जाना एक साइड खाली जाना, वो भी कैसे, जैसे आपने सब्जी भाजी मंगवाए किसी ने अनाज कपड़ा भेजा वही गाड़ियां चलती थी, बाकी तो हमारे के भी थे। और दूसरी बात सब ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गए। आज भी देश में 30% गाड़ी चली, 70% गाड़ियां घर पे खड़ी है मोटर मानव के गैरेज में, इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस कंपनी जो भी है वो आज परेशान है, मोटर मानव कहाँ से चलाएगा क्या करेगा। लेकिन आज वो स्थिति हो गई है, 4 गुना वसूली का आरोप चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रशासन पे शासन पे, तो मैं तो वो प्रशासन शासन को चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ से वरिष्ठ मंत्री, परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ किसी भी एमपी के बॉर्डर में चलकर, और वो अधिकारी को मैं दूध का दूध पानी को पानी करने को तैयार हूँ, एक चैलेंज करता हूँ। दुखी हूँ मैं हूँ कि मेरा भी परिवार है, हम अपना परिवार देश को परिवार को समझते हैं, लेकिन आज जब कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, हमको मरना ही मरना है, मरना है तो ये हम कड़ी क्यों जोड़ रहे हैं? आप जाके बॉर्डर में देखिए 100 लोगों की लाइन लगी है, 20-20 लोग सटे हुए हैं, डंडा लेके गुंडा खड़े हैं, ड्राइवरों को बुरी तरह से मारते हैं, रोटी पानी तो देना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि बैरियर से देश के आम पब्लिक या आम नागरिक जो दिन रात मजदूर करता है, देश की सबसे बड़ी गिर कड्डी है ट्रक इंडस्ट्री, जो प्रधानमंत्री अपने आप को बोल चुके हैं। आज एक ट्रक वाला अगर 1 सेकंड के लिए पूरे हिंदुस्तान में ट्रक की पहिया थम जाए तो देश की धड़कन थम जाएगी। ये चीज आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। एक ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, चाहे प्लेन का ड्राइवर हो चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, आज वो ड्राइवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज वो ड्राइवर तो बेइज्जती किया जाता है, उसकी माँ बहन घर में बैठी है, अपने बेटे का अपने पति का अपने भाई का प्रतीक्षा कर रही, मेरा बेटा मेरा पति मेरा भाई घर आएगा, लेकिन उसकी माँ बहन की गाली दी जा रही है। बदतमीजी सेवा, अगर आपको चेक पोस्ट में बैठाया गया है, अगर किसी ड्राइवर का फोन आता है सर हमारे सेठ से बात कर लो, पैसा मेरे पास नहीं है, अपना अकाउंट नंबर दे दो, पैसे डाल देंगे, वो लोग बात करने को तैयार नहीं। तो हम फोकस करते हैं डिजिटल इंडिया, जिस तरह से हमारा देश डिजिटल पे जा रहा है, उसी तरह से अगर वोट चाहिए पैसे चाहिए तो अपना अकाउंट नंबर दे, भीम या पे पेटीएम सब कुछ है, हम पेमेंट करने को तैयार है। हमारी संस्था ही वोट देगी, ना कि हमारा ड्राइवर देगा। अब हम उसके लिए नई तकनीक बना रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोल रहा हूँ कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से जो वरिष्ठ अधिकारी परिवहन विभाग से उनके सवाल करें, सर ये उल्टे गलते काम क्यों कराए जा रहे हैं? अगर किसी ट्रांसपोर्टर से कंपनी के द्वारा गलत माल भरा गया है तो उसको भी जुर्माना होना चाहिए, उसको भी सजा होना चाहिए, ना कि गाड़ी वाले। ये मेरा आपसे निवेदन। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक
आवाजाही करने में किस तरह की दिक्कतों का सामना ट्रक चालकों को करना पड़ा, क्या बताओ? ट्रक चालकों को आज के समय में आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज ट्रक चालक के परिवार भूखे हैं, उनको मरने की नौबत आ रही है, वो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। अब बोलते हम गाड़ी चलाएंगे तो अपनी माँ बहन की गाली एक आदमी से छीन जाएंगे। सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो रहा है। दूसरा संकट ये खड़ा हो रहा है कि अगर मैं बॉर्डर में जाता हूँ, चेक पोस्ट में जाता हूँ, तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझता है ड्राइवर, लेकिन जब भीड़ में जाऊंगा तो एक दूसरे पर आदमी सट जाता है। फाइल के लिए पैसे नहीं है तो उसको पकड़ के मारा जाता है। तो अगर वो आदमी को कोरोना है, अधिकारी को छूट दिया तो ड्राइवर गए काम से, हया नहीं हो तो नहीं, लेकिन डर तो बना है। डर के मारे ड्राइवर कुछ गाड़ी बॉर्डर में छोड़ के भाग रहे हैं और कुछ घर से वापस आ नहीं रहे, जिससे ट्रक इंडस्ट्री आज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और ये आगे भी प्रभावित होगी जब तक ये सरकार इस ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचेगी। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि आप एक ऐसा सुविधा दीजिए जो ये गाड़ी को पद्धत से चेक कर दिया जाए, दूसरी बार गाड़ी को हाथ ना लगाया जाए, बैरियर आप रखिए, बॉर्डर रखिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार का प्रशासन का काम है, लेकिन जिसके लिए जो बैरियर बनाया गया है उसके लिए वो काम होना चाहिए। जैसा कि उदाहरण मैं आपको देता हूँ आपके चैनल को, कि आपका चैनल किस लिए बनाया गया है, आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। आज चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, जो पूरे देश को इधर से उधर जोड़ रहा है, लोगों की समस्या को सरकार तक ले जा रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों की समस्या हल भी हुई है। तो आपका चैनल का मतलब तो ये है ना कि आपके अपने चैनल से कुछ और चीज दिखाएंगे। तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम ट्रक इंडस्ट्री में ट्रक लिए हैं तो ट्रक हम माल ढोने के लिए लिए हैं, सामान ढोने के लिए लिए है, ना कि हम उसमें गलत काम करने के। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हमारे पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो अधिकारी कर रहे हैं तो उनमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो आज जिस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की है, किस तरह से हमारे चेक पोस्ट लॉकडाउन के बाद सुरक्षित है या असुरक्षित, ये सब जानकारी हमने नरेंद्र मिश्रा जी से जानी है, किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्होंने किया है ये भी हमने जाना है। फिलहाल वक्त चला है यही रुकने का। अभी हमारे साथ जुड़े इसी विषय को लेकर अंकुर अग्रवाल जी, जो शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन नागपुर से है, इनसे भी हम जानकारी लेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरह से हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, कितना सुरक्षित है हमारा चेक पोस्ट। नमस्कार मैम, मैं दिनेश अग्रवाल, शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन से। जब से कि लॉकडाउन खुला है तब से चेक पोस्टों पे दिक्कतें तो पहले भी थी, जब लॉकडाउन हुआ था तब उसमें बीच में बंद हुआ था और अब फिर से चालू हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार से निवेदन है कि अगर लॉकडाउन चालू हुआ है, अगर ट्रक की आवाजाही को कोई रोका नहीं जाता है कहीं पे, तो सरकार का ये निवेदन है जनता से कि भी सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, जिससे कि कोरोना की जो महामारी की बीमारी है वो उससे बच सके। तो अगर सरकार ने पूरे देश में आरटीओ ऑफिस भी बंद रखे हैं, इसलिए बंद रखे गए हैं ताकि वहां जनता इकट्ठी ना हो, तो आरटीओ चेक पोस्ट चालू क्यों? अगर चालू है तो वहां पे सिर्फ गाड़ियों को चेक करके तुरंत ही उनको निकालना चाहिए, ना कि उनको इकट्ठा करना चाहिए। वहां पे पेपर ऐसे भी सरकार ने सितंबर तक की छूट दी है कि कोई भी पेपर अगर आपके खत्म हो चुके हैं तो वैलिड गिना जाएगा। तो आरटीओ चेक पोस्ट अगर चालू है तो वहां पे सिर्फ अधिकारी को यही देखना चाहिए कि ट्रक में माल सही लोड है, कोई गलत लोड है कि क्या है, वो देख के तुरंत उसको छोड़ना चाहिए, ना कि उसको खिड़की पे भेज के वसूली की मांग करनी चाहिए और उनका समय तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, अभी अनलॉक हुआ है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करते समय किस तरह की दिक्कतों को मतलब सामना करना पड़ा है, क्या बताओगे? दिक्कतों का सामना हमें और कहीं पे भी नहीं है। अभी तक रास्ते में ड्राइवर भाइयों के लिए जो ढाबे कुछ बंद है, तो सरकार के माध्यम से अभी कुछ ढाबे चालू हुए हैं कि रास्ते में ड्राइवर भाइयों को खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। सिर्फ दिक्कतें आ रही है तो सरकारी अधिकारियों से, रास्ते में जो पुलिस वाले हैं जो गाड़ी को रोक के परेशान करते हैं, भाई हमको पैसा दीजिए, गाड़ी का सब कुछ ओके होने के बावजूद भी पैसे की डिमांड करते हैं। नहीं अगर पैसा देते हैं तो कोई भी मन गलत चालान बना देते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में ये नहीं है, वो नहीं है, झाड़ू नहीं है, या
यानी कायदे सरकार के पास बहुत है, अगर गलती निकालनी है तो शोरूम से अगर नए ट्रक भी हम निकालेंगे तो भी उस पे भी वो चालान बना सकता है, कहने आपने का मतलब। और हमें कहीं किसी से दिक्कत नहीं है सिवाय के आरटीओ अधिकारी या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से। हाँ, उनकी ड्यूटी है भाई रक्षा करना, देखो अगर कुछ गलत माल है तो उसे उसको दंड करो, वो दंड के लिए भुगतान करने के लिए हम तैयार है। अगर मेरी गाड़ी में कुछ माल ओवरलोड भरा है तो बेइज्जत अगर उसमें दंड आता है तो आप दंड के माध्यम से जो बनता है उसका पैसा लीजिए, उसकी पर्ची दीजिए, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से दिक्कतें आ रही है, ये दिक्कत जो आपको आई इसके मतलब प्रशासन की ओर, मतलब प्रशासन को आपने ध्यान में लाकर दिया है, किसी अधिकारी से आपने बात की है इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी से हम जुड़े हैं वो पिछले 2 साल से प्रयत्न कर रही है। उनका वो देखने के बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष है माननीय प्रहलाद अग्रवाल जी, उनके उनका प्रयत्न वो पिछले 55 साल से लॉजिस्टिक से जुड़े हुए हैं कार्य से, और उनकी यही कोशिश रही है कि कहीं पे अगर बुरा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उनका यही कहना है कि जो जायज है उस हिसाब से आप करिए, अगर आटे में नमक जितना होता है तो चल जाता है, अगर वो सोचे कि मैं पूरा आटा ही खा जाऊं तो वो गलत चीज है। आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब हो रही है कि जिसकी का मैं बयान नहीं कर सकता। पोजीशन इतनी खराब है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ गुजरात का। गुजरात राज्य में पहले चेक पोस्ट थे लेकिन अभी चेक पोस्ट पूरे बंद कर दिए हैं। सरकार ने ऑनलाइन चालान की सुविधा उपलब्ध कराई है कि भाई जैसा भी जो माल भरा है वो आप उसमें बता दो कि भाई हमने ये माल भरा है तो उतनी अमाउंट आ जाएगी। कि सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो गाड़ी में ट्रैक्टर लोड है तो अगर उसमें डाल देंगे कि ये गाड़ी है और इसमें ये ट्रैक्टर लोड किया तो उसमें आ जाएंगे भाई 1000 रुपया भर दो। वही चीज अगर महाराष्ट्र में तो वो लोग 10,000 का चालान करते हैं और गुजरात गवर्नमेंट में 1000 का चालान भर दो पूरे गुजरात में कहीं घूमो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और महाराष्ट्र यही चीज महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश है अगर हमने ये करते हैं तो अगर आप पैसा वो डिमांड करेगा कि मेरे को 2000 एंट्री दे दो, दे दिया तो माल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा आपने नहीं दिया तो वो चालान बना देगा कि तुम्हारा ये गलत है, 10,200 का चालान, 12,200 का चालान, ये लो और आरटीओ में जाके भरो। मेरा ये निवेदन है जी, जिस तरह से भारत एक देश है, एक निशान है, एक संविधान है, तो एक कानून क्यों नहीं? ऐसा कुछ आपने प्रशासन के सामने इस तरह का कुछ बात रखी है? जी। जिस तरह से गुजरात में अभी आपने बताया कि कानून अलग है और महाराष्ट्र में जो है अलग कानून है चेक पोस्ट पर। जी, ये जो आपने बात कही बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस विषय पे हमने सरकार से निवेदन भी किया है कि सर अगर भारत एक है, उसका कानून एक है, संविधान एक है, तो ड्रग इंडस्ट्री के साथ वो चीज क्यों नहीं? अगर एक राज्य में कोई चालान होता है तो वो चालान उस ट्रिप के लिए पूरे भारत देश में मान्य क्यों नहीं है? अगर एक राज्य चालान उसको करता है और गाड़ी ओके करता है तो दूसरे राज्य में जाती है तो वो गाड़ी क्या ओके नहीं रहती, उसमें कोई अवभाव बदल जाता है, वो राज्य फिर वो अपने तरीके से अलग से चालान बनाता है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी सारी इतने सालों से इसके पीछे सब लोग बोल रहे हैं लेकिन ये सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हमारा यही गुजारिश है कि सर एक चालान ही रखिए और अगर चालान किया भी है गलत तरीके से और उसको समय मिलना चाहिए, गाड़ी मालिक या वाहन चालक को समय मिलना चाहिए कि भैया हमने ये चालान आपको दिया है तो आप 15-20 दिन के अंदर आप इसको आईटी ऑफिस में जाके भुगतान दीजिए। अगर वो आरटीओ ऑफिस में जाता है, अगर उसको कुछ गलत लगता है कि मेरा ये चालान गलत बना है तो वो जाके वहां पे उसको ओके कराए। अगर वो वहां का ऊपरी अधिकारी, आरटीओ ऑफिस का अधिकारी अगर वो चालान को मानता है कि हाँ ये आरटीओ जो फ्लाइंग ऑफिसर है उसने गलत बनाया है और वहां पे वो सही करके उसको छोड़ता है कि हाँ भी ये चालान गलत बना है, तो मेरी निवेदन है सरकार से कि उस जो ऑफिसर ने चालान बनाया तो उसको भी कुछ ना कुछ दंडित किया जाए ताकि आगे वो चालान बनाने के लिए एक बार सोचेगा कि भाई गलत चालान हम ना बनाए। बिल्कुल, सरकार की ओर से आपकी जो मांगे है वो पूरी हो इसके लिए आप क्या पहल करने वाले हो?
पहल में ये है कि हम ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से हमसे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारा एक निवेदन भी है कि शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन से हम ड्राइवर्स, गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर, उन सब को हम जोड़ रहे हैं। इसके लिए हमने हमारा एक वेबसाइट भी तैयार किया है, jac.org.in। उस वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करोगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, जिसका कोई चार्जेस फिलहाल है नहीं। उसको आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उससे आप हमारी संस्था से जुड़ोगे। जुड़ने के बाद हमारी जितना भी संख्या बल बढ़ेगा तो हम सरकार के पास फिर जाएंगे इस संख्या बल के साथ कि हमारी मांगे आप ध्यान से सुने, अगर जायज है तो उसे पूरी करने की कोशिश करें। यही हमारी सरकार से विनती। बिल्कुल, जो भी मांगे हैं, जिस तरह की दिक्कतें आपको ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है, ये मांगे आपकी सरकार तक पहुंचे और जल्द ही ये मांगे पूरी हो, ऐसे हम आशा करते हैं। फिलहाल तो वक्त हो चला है यही रुकने का, देखते रहिए इन 20 चैनल। नमस्कार।